हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पॉपकॉर्न स्टिच फ्लावर स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 चेन स्टिच लेंगे। 1 2 3 4 5 5 6 और इसे लास्ट स्टिच पे ज्वाइन करेंगे। 3 चेन स्टिच लेंगे। 1 2 3। अब यहाँ पे 15 डबल क्रोशे लेंगे। 1 2। अब इसे इधर ये जो 1 2 3 थर्ड स्टिच है वहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे। 5 चेन स्टिच लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये जो उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे लेंगे, फिर 2 चेन स्टिच लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इसे यहाँ पे थर्ड स्टिच पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे 3 चेन स्टिच लेंगे और 4 डबल क्रोश लेंगे। 1 2। अब जो ये लास्ट स्टिच है वहाँ से इस लूप को इस तरह से निकालेंगे कि पॉपकॉर्न स्टिच बन गया है। अब 3 चेन स्टिच लेंगे, फिर इस जगह पे हमें 5 डबल क्रोशे लेना है। देखिए 5 डबल क्रोशे स्टिच ले लिया है। अब ये लास्ट स्टिच से इस लूप को इस तरह से निकालेंगे, सेम जैसे यहाँ पे किया था, और इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट है। अब इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे भी स्लिप स्टिच लेंगे, सेम उसी जगह पे 3 चेन स्टिच लेंगे, उसके बाद 4 डबल क्रोशे लेंगे। दे 4 डबल क्रोशे ले लिया है। ये जो लास्ट चेन स्टिच को भी डबल क्रोशे मान के चलना है, तो तब इसका मतलब 5 डबल क्रोशे। अभी जो लास्ट स्टिच है यहाँ से हम इस लूप को निकालेंगे, इस तरह से 3 चेन स्टिच लेंगे। 1 2 3 और इस जगह पे 1 2 3 इस जगह पे हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। देखिए ये 4 पॉपकॉर्न स्टिच हमने बना लिया है। अब 10 चेन स्टिच लेंगे। 10 चेन स्टिच लिया है। अब इसके नेक्स्ट स्टिच पर भी इसी तरह से यहाँ पे इस जगह पे 4 पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। सेम इसी तरह से 4 पॉपकॉर्न स्टिच, यहाँ 4 पॉपकॉर्न स्टिच ले लिया है। अब सेम इसी तरह से 10 चेन स्टिच लेंगे यहाँ पे। अब इस तरफ भी 4 पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है इसी तरह से। अब इस तरफ भी 10 चेन स्टिच लेंगे। यहाँ पे भी 4 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे इस जगह पे। देखिए ये यहाँ पे भी 4 पॉपकॉर्न स्टिच लिया है और यहाँ पे 10 चेन स्टिच ले लिया है। अब इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे 3 पॉपकॉर्न स्टिच लेना है। यहाँ 3 चेन स्टिच लेंगे, 4 डबल क्रॉश लेंगे, लास्ट स्टिच से
इस लूप को निकालेंगे। सेम इसी तरह से 3 chain stitch लेंगे, 3, और इस दो जगह पे भी पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 3 पॉपकॉर्न स्टिच बना लिया है, अब यहाँ पे 2 chain stitch लेंगे, 1, 2, और यहाँ पे 6 double crochet लेंगे। अब 3 chain stitch लेंगे, 1, 2, 3, और यहाँ पे 6 double crochet लेंगे। अब देखिए 2 chain stitch लेंगे इसके बाद, 1, 2, और जैसे यहाँ पे 3 popcorn stitch बनाया था, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे भी 3 popcorn stitch बना लिया है, अब सेम इसी तरह से यहाँ पे भी बनेगा, सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे किया है, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ तक कंप्लीट है, अब यहाँ पे 2 chain stitch लेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे भी स्लिप स्टिच करेंगे, 2 popcorn stitch लेंगे। 2 popcorn stitch बना लिया है, यहाँ पे आपको 3 chain stitch लेना है, यहाँ पे हर पॉपकॉर्न स्टिच के जो बीच बीच में है 3 chain stitch लेना है। अब यहाँ पे इसके बाद 2 chain stitch लेंगे यहाँ पे साइड में, और इधर 2 double crochet, 1, 2, और यहाँ 6 double crochet stitch के ऊपर हमें 6 double crochet लेना है, 2 double crochet लेंगे। यहाँ पे 3 chain stitch लेंगे, 1, 2, 3, अब यहाँ पे 2 double crochet, 1, 2, और हर एक स्टिच पे 2 double crochet लेंगे, 2 double crochet stitch लेंगे। यहाँ तक ले लिया है, अब इस यहाँ पे इस जगह पे 2 double crochet stitch लेंगे, टू चेन स्टिच लेंगे, और यहाँ पे 2 popcorn stitch बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे इस यहाँ पे किया था सेम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे। हाँ देखिए यहाँ तक कर लिया, यहाँ पे 2 popcorn stitch ले लिया है, अब सेम जैसे यहाँ पे किया था सेम इसी तरह से यहाँ पे यहाँ इस तरफ पूरा करना है। अब देखिए यहाँ तक मैंने कर लिया है, अब यहाँ पे 2 chain stitch लेंगे, और यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे, फिर यहाँ पे हमें 1 popcorn stitch बनाना है। अब यहाँ पे 2 chain stitch लेंगे, इस जगह पे 2 double crochet, यहाँ पे भी 2 double crochet बना दिया। अब हर एक स्टिच पे हमें 2 double crochet लेना है, अब यहाँ पे 2 double crochet लेंगे, फिर 3 chain stitch लेंगे, फिर सेम उसी जगह पे 2 double crochet लेंगे, और हर एक स्टिच पे 2 double crochet लेंगे।
यहाँ तक डबल क्रोशे स्टिच ले लिया है। अब इस जगह पे भी 2 डबल क्रोशे लेंगे, उसके बाद 2 चेन स्टिच। देखिए अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशे सॉरी 1 पॉपकॉर्न स्टिच होगा, और जैसे यहाँ पे किया है वैसे सेम इसी तरह से यहाँ पे पूरा बनेगा। देखिए यहाँ तक हो गया है, अब इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3। सेम उसी जगह पे 1 डबल क्रोशे लेंगे और हर एक स्टिच पे डबल क्रोशे स्टिच लेंगे, यहाँ पे 2 चेन स्टिच लेंगे सॉरी 2 डबल क्रोशे स्टिच लेंगे, थ्री चेन स्टिच, 2 डबल क्रोशे। सेम इस तरफ भी ऐसे ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, ग्रैनी स्क्वायर का ये जो डिज़ाइन है कंप्लीट है। मैं आपको इसके पीछे का पोर्शन दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह से है। यहाँ लास्ट में मैंने ज्वाइन किया है, आप इसे अपने ज़रूरत के अनुसार और बड़ा कर सकती हैं, या फिर इसी तरह का और ये ग्रैनी स्क्वायर पीसेस बनाकर इसको ज्वाइन करके टेबल मैट और शॉल एक्सेट्रा बनाया जा सकता है।